हम आज की शुरुआत एक बार ना थोड़े से सिलेबस पार्ट से करते हैं, नीट जेई मेंस। अभी 5 मिनट थोड़ा डिस्कशन लेके वो कीवर्ड लगा देना। देखो पहले मैं आता हूं जेई मेंस वालों के एक यूनिट पे, जो जेई मेंस के एक यूनिट पे जो मतलब कमाल तो ये हो रहा है, बच्चों को नाम ही नहीं पता उस यूनिट का कि हमारे सिलेबस में ये भी एक पार्ट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस सेशन में जो अभी हुए हर बार क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 6 बार पेपर हुए, उनमें लगभग आसान आसान सवाल। कौन सी यूनिट है? यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। नीट मेडिकल के कौन कौन बच्चे हैं भाई? आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में ये नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन एक बहुत अच्छी और आसान यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब सुनिए भाई, बातें मत करो, बातें नहीं सुनो। एक बार बच्चे नीट में ना हो फिर भी सुन तो लो क्या है। प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन एटमॉस्फेयर। ईएम वेव्स है नीट के सिलेबस में, है ना? तो कई बार ये नहीं पता चलता है ये क्वेश्चन ईएम वेव्स का है या कम्युनिकेशन का, तो थोड़ा सा इस तरीके से काम आ सकता है। दूसरा, स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है ये तो पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि स्पेस कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। वो 3 मेथड है, उनमें से 2 लिखे हुए। उसके बाद आते हैं नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, जैसे उसमें ऐसा होता है जैसे हमारा मैसेज सिग्नल है, वो एक बच्चा है छोटा सा, वो जा नहीं सकता इतनी दूर, तो उसे एक अच्छे खासे घोड़े पे बिठा के भेजना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मींस एक वेव को दूसरी वेव पे सुपर इम्पोज करना। इस बार भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें, कोई बच्चा सोच रहा होगा ये तो +1 की वेव्स का क्वेश्चन है, वहां कैरियर वेव दे रखी है और मैसेज वेव दे रखी है, और सवाल आया हुआ इस बार वाले जेई मेंस में भी। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों को ये नहीं पता लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन का है किसका, वो सोच रहे हैं +1 की वेव्स का क्वेश्चन है, हो रहा नहीं वैसे। अच्छा, उसके बाद एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपने कभी अपने ये रेडियो सेट वगैरह देखे हो, AM/FM नाम सुने? AM/FM अरे बटन सा होता है ऊपर कर दो, और छोड़ो गाड़ी वाड़ी गाड़ियों में जो ये बटन ही होता है, एक बार प्रेस करो AM, एक बार FM, आप FM ही सुनते चलते हैं। AM पे तो पुराने पुराने समाचार से आते रहते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं, अलग तरह के कार्यक्रम चलते हैं। AM तो ऐसा है जैसे राज्य हवा लोकसभा, इस तरह का चैनल है, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो हमें पता तो हो ही जाए। अच्छा, उसके बाद सुने ट्रांसमिशन मीडियम। ना उससे पहले बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल एंड बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल एंड बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम में कुछ बातें होती याद करने लायक। अब मान लो आगे जैसे पानी है, मीडियम पानी है चलने के लिए, तो मैं उसमें घोड़ा लेके तो नहीं जा सकता, तो साधन कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए जैसा आगे मीडियम, ठीक है ना? तो ये उनकी कुछ बातें यहाँ पे। उसके बाद आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ब्लॉक डायग्राम ओनली। बहुत आसान सी चीज, ब्लॉक डायग्राम मीन्स एक ट्रांसमीटर होता है भेजने वाला, एक चैनल होता है और एक रिसीवर होता है जो बच्चे को घोड़े से उतारेगा, मतलब मैसेज को कैरियर वे से अलग करेगा। ये तो जेई मेंस वाले जो दूसरे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, कम से कम अब तो उन्हें ये चैप्टर पढ़ जाना चाहिए यार। मान लो एक सवाल आ गया, एक आएगा ज्यादा से ज्यादा, एक सेशन में एक आएगा, लेकिन एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जेई मेंस में, कितने कितने नंबर पे तुरंत परसेंटेज चेंज होगी, ठीक है? तो कम से कम हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब दूसरा जो नीट के लिए भी है और जेई मेंस के लिए भी, दोनों के लिए, वो सुनो, मैंने कुछ करवाया था फिर आप लोग खास इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ छोड़ भी दिया था बीच में, बता देता हूँ मैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैं एक बार नीट वाला सिलेबस आपको पकड़ा रहा हूँ, इसमें देखना ये सेम टॉपिक है, ये है नीट वाले के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, मैं बोलता हूँ यहाँ से जेई मेंस के। सुनो, पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज। ऐसा ही लिखा है क्या उसमें? तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर उसमें डायोड क्या होता है, फिर उसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड की भी हमने पढ़ी जिसमें हम डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, रिवर्स की भी हमने पढ़ी जिसमें हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस पढ़ी, ध्यान है क्या थोड़ा बहुत की? हाँ ठीक है, चलो आगे। उसके बाद है IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ना डायोड एज अ रेक्टिफायर आपने पूरा पढ़ा था, हाफ वेव फुल वेव में भी सेंटर टैप और ब्रिज, ठीक है। उसके बाद फोटो डायोड, ना
फिर मैं छोड़ जाता हूँ टॉपिक। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। चलो मुझे ये बता दो उसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक कौन से क्वाड्रेंट में होती है? ठीक है, और फोटो डायोड की? थर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोटो डायोड है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सेल, कौन से क्वाड्रेंट में भी है कैरेक्टरिस्टिक? फोर्थ। ये आपके तीन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। पढ़ाए थे मैंने, आप कहोगे दोबारा कवर कर लेंगे कभी, लेकिन ये दोनों के सिलेबस सेम चल रहा है उसमें। अगला टॉपिक है जेनर डायोड एंड जेनर डायोड। फिर उसके बाद है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इस बार भी जेई मेंस में आया हुआ है रेगुलेटर पे सवाल, पता नहीं मुझे कौन से सेशन में, मैंने ढंग से यूं नहीं देखा है कौन से सेशन का क्या था, लेकिन रेगुलेटर में क्वेश्चन आया हुआ है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा, उसके बाद ये कौन सी कॉपी है? नोट्स कॉपी उन्हीं चीजों की, कुछ और है। ठीक, जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हमारे सिलेबस में है। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके नाम बता दो क्या क्या है। नहीं पता, आप बता दो। दो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं? कोई भी बच्चा जानता हो नाम? अरे एप्लीकेशन नहीं, दो तरह के ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन, जो दो ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर एक्शन, वो ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था दो चीजों के बीच का ग्राफ जब एक चीज को कांस्टेंट रखे, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था फिर से दो चीजों के बीच का ग्राफ जब एक और चीज को कांस्टेंट रखे। अब आपको ये नहीं पता होगा किसमें क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, एक में वोल्टेज और एक में करंट, चलो थोड़ा ध्यान। उसके बाद ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। देन है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें केवल कॉमन एमिटर पढ़ने, हमें पता होना चाहिए कि तीन तरह के अरेंजमेंट्स बनते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। हमें जो पढ़ना है ओनली कॉमन एमिटर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये टॉपिक हमारा तब भी बच गया था, ये दो ऑसिलेटर भी और एम्पलीफायर, ये दो छोड़े थे। और बताता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और एंड नॉट नेंड नॉर, पांचों तो मैंने ये करवाए थे और एक्सओर और एक्सनोर भी करवाए थे। ध्यान होगा लॉजिक गेट्स पे तो कई क्लास नहीं थी, दो तीन चार क्लास हो गई थी और अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद लास्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, मुझे याद है ये भी मैंने करवा दिया था। एक टॉपिक बीच का बचा है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। फिर वो क्या हो रहा था कि ये वो पार्ट जो बोर्ड में तो है नहीं, स्पेशली नीट और जेई मेंस में, तो आप लोग कोई खास इंटरेस्ट दिखा भी नहीं रहे थे इसमें, तभी हमने फिर इसको स्किप करके अपना काम आगे बढ़ाया। अब भाई ये सुनो, नीट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, पता है ना अगस्त में है नीट का एग्जाम, और जेई मेंस तो होता ही रहता है, नीट दो बार होगा इसमें, एक बार ही होगा, जैसे बीच में बात चली थी ना, दो बार होगा, एक बार ही होगा। तो कौन कौन बच्चा नीट का पेपर देगा, मैं ये नहीं कह रहा मेडिकल है, नीट का पेपर कौन कौन देगा, हाथ ऊपर करें एक बार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, सात है ठीक है, हाथ नीचे करो। इनके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जिनके पास मेडिकल है नहीं? अच्छा, कौन कौन बच्चा जेई मेंस दे रहा है वो भी हाथ ऊपर करो, एक दो तीन, बस आप तीनों नहीं दे रहे जेई मेंस, क्यों नहीं दे रहे, कारण? नहीं, आईआईटी आप कैसे कर सकते हो, आईआईटी करनी नहीं है मतलब का क्या है मुझे ये बताओ, इंजीनियरिंग नहीं करनी, फिर से वही बात, ये कौन कह रहा है आईआईटी में इंजीनियरिंग ही है, क्या करोगे चलो ये बताओ क्या करना है, एयरफोर्स। एक बच्ची है, मतलब आज उससे वैसी बात हो रही थी, तो उनके पेरेंट्स कह रहे बच्ची ये पेपर नहीं भर रही, जेई का पेपर ही नहीं भर रही। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, और वैसे इंटेलिजेंट बता रहे, मैंने नहीं देखा लेकिन बता रहे थे कि हाँ ठीक है, तो मैंने पूछा क्यों नहीं भर रही क्या हो गया, तो कह रही सर मुझे तो पोइट बनना है। अरे ठीक है, पोइट बनना है, किताब लिखनी है ठीक है। चेतन भगत का नाम सुना है, है? सुना है चेतन भगत? अच्छा, थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स उन्हीं के नॉवल पे बेस्ड थी। चेतन भगत मतलब इस यंग जनरेशन के लिए एकदम से उभर के आए थे, और एक अच्छे राइटर के तौर पे, वो बीटेक आईआईटी से, मैं एक बार मिला हूँ आईआईटी रुड़की में मुलाकात हुई थी, जस्ट मैं अपने कॉलेज की तरफ से गया हुआ था, और वो
मतलब एक यूं लगा लो चीफ गेस्ट के तौर पे थे वहां पे, तो तब एक हल्की सी मीटिंग हुई थी उनसे। तो वो आईआईटी आईआईएम इनके एलुमनाई से, इनसे पास आउट हैं, इनके एलुमनाई हैं, और क्या वो एक बहुत फेमस ऑथर बन चुके हैं कि नहीं। तो भाई जिसको कहीं कुछ भी करना हो, आईआईटी तो एक कॉलेज का नाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं वहां जाके, उसमें कोई ऐसी बात है थोड़ी। आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है बहुत अच्छा है, कैसे, एनडीए के थ्रू या कैसे, ठीक है। और मान लो अगर आपको ऑफिसर लेवल पे कोई ले जाए तो नहीं जाओगे, फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं करते, वहां जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। आपका अगर आप आईआईटी में हो जाए, अब आईआईटी में हो जाए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप आगे एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट पे जाओ सीडीएस के बाद में। तो ऐसे अभी से अपना एक्स वाई ग्रुप का सीधा टारगेट क्यों बना रहे हो, पेपर देने में क्या जा रहा है, कितने वैसे अगर सोचे हम फीस की अगर बात है, आप लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो, वहां भी तो पैसे दे रहे हो, कोई इतनी खास भी फी नहीं होती होगी इसकी, कितने रुपए का आपको में 6000 650 और आप भी मना कर रहे हो, है ना, क्या क्या प्लान है, तो क्या करना है, तो एनडीए एनडीए एक एग्जाम का नाम है, ऐसी आईटी जेईई भी एक एग्जाम का ही नाम है, पेपर तो देना चाहिए। हम श्योर कैसे हो सकते हैं कि मेरा वही होगा और मैं वहां चला जाऊंगा। इंजीनियरिंग नहीं करनी, सुनो एक एक ये गलत फहमी, इंजीनियरिंग नहीं करनी बहुत अच्छी बात है, आईआईटी केवल इंजीनियरिंग नहीं करवाती है। अरे बच्चे आईआईटी में कई बीटेक सोच के चले जाते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है यार उनसे भी अच्छे कोर्स है, उनके इक्विवेलेंट कोर्स है 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स, 5 साल यहाँ भी तो 5 साल लगते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे बायोटेक में भी एमएससी होती है तो इवन मतलब ये लोग भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल नॉन मेडिकल के लिए। तो सुनिए, जो बच्चे डीयू में चले जाते हैं या और कॉलेजों में बीएससी करने जाते हैं, ये सोच के कि मुझे आईआईटी नहीं जाना इंजीनियरिंग करने, वो 3 साल बाद उन्हें पता लगता है या एडमिशन लेने के बाद पता लगता है यार एक आईआईटी जेएम का पेपर होता है, जैसे जेडब्ल्यू ऐसे ही जेएम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, मास्टर्स मास्टर मतलब जो डिग्री मास्टर्स डिग्री एमएससी वाली उसके लिए, तो और क्या मास्टर का टेस्ट होगा तो मास्टर डिग्री है उसके लिए। अब सुनो, बड़ी मेहनत करके बच्चा जेएम क्लियर करके उसमें जाएगा, मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे पता लगा, आप आईआईटी से एमएससी करके आ रहे हो वो एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन वहां आप 2 साल पढ़े उससे ज्यादा वैल्यू उनकी है जो वहां 5 साल पढ़ के आ रहे हैं, वो कोर्स काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है जो 5 साल का वहां एमएससी वाला कोर्स करके आ रहा हो। तो यार मैं तो यही कहूंगा, एक बार पेपर तो देख देखो, एक बार तो कोई तो अटेम्प्ट लो आपके लिए दिया जा रहा है, और कौन आप क्यों नहीं दे रहे, आप पिछला दिया था क्या, फिर क्या प्लान है ये और बताओ। एनडीए यार एनडीए हो जाए बहुत अच्छी बात है, अभी आप में से वो एक बच्चा प्रवीण भी गया है वहां, ठीक है, लेकिन पेपर तो दो, अपने अटेम्प्ट तो दो कम से कम, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल उसकी तैयारी कर रहे हैं अलग से, एटलीस्ट ये चीजें तो क्लियर हो। अच्छा सुनो, अब और सुनो, यहाँ पे 3 बच्चे तो ये हो गए जो एनडीए टारगेटेड है, इनके अलावा और कौन कौन है, ईमानदारी से बताना, देखो इसमें कोई वो बात थोड़ी है, कैमरा आपकी तरफ है ही नहीं, कैमरा तो मेरी तरफ है, ईमानदारी से बताना कौन कौन एनडीए। अच्छा मैं एक और चीज पे जा रहा हूँ, और कौन कौन ऐसा बच्चा है मेडिकल नॉन मेडिकल में से जो ओनली फॉर बोर्ड पर सब फोकस रहना चाहते हैं, मुझे तो केवल बोर्ड एग्जाम देने, सीबीएसई एग्जाम, वो कौन कौन है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, आप हाथों पर करो। अच्छा एक इस बार इस साल अपना बोर्ड का क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है, नीट में सिलेक्शन कौन कौन जा रहा है इस बार, अब आपको पता है कट ऑफ कुछ ज्यादा ही आई जाने लगी, कारण यह है कि बच्चे पढ़ने लगे और कोई कारण नहीं, अरे कारण यही है बच्चे पढ़ने लगे हैं, एक एक चीज इतने अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं कि कुछ आ जाए सवाल तुरंत करेंगे और मतलब कोई और दिक्कत ना हो, सवाल उन्हें आता होगा बस, और ही किसी वजह से नहीं हुआ तो बात अलग है। हम कैसे जाते हैं अभी, चलो यार कुछ सवाल हो जाए, मैं कह रहा हूँ उससे बात नहीं बनने वाली, और नीट वालों के लिए इतना टाइम पड़ा है, अगस्त अभी तो क्या चल रहा है, मार्च आधा भी नहीं हुआ है, आधा मार्च रहा, अप्रैल मई में आपके बीच बीच में बोर्ड के एग्जाम आएंगे, है ना, फिर पूरा जून मिलेगा हमें फिर दोबारा से, तो यार ये तो पूरा जुलाई मिलेगा उसके बाद,
तो बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि मतलब आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हो अच्छे से। आपके पास मेडिकल है ना, है नीट का दोगे पेपर फिर हो जाए तो, या कोई चांस ही नहीं हो होने का ना? ऐसे क्यों बिल्कुल फोकस्ड और बोर्ड ऐसे क्यों बोल रहे? ये भी फोकस्ड है सारे बोर्ड पे, ऐसी बात नहीं है, इनको भी देना है बोर्ड एग्जाम, थोड़ा सा नीट की और जेईई की तैयारी करो। तो अब मैं अपने काम पे आता हूँ अभी। देख लिया क्या कुछ है? फिजिक्स का ही होगा इसमें ओनली। देखो यार थोड़ी सी चिंताजनक बात ये हो रही कि आप एग्जाम देने चले जाते हो, आपको सिलेबस तक का आइडिया नहीं है, कम्युनिकेशन नाम नहीं समझ आ रहा कहाँ है वो। एक भाई बोला बोले मेरे सेट में तो कम्युनिकेशन का एक भी सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा सोच रहा है वेव्स का क्वेश्चन है, कोई सोच रहा है ईएमवीओ का क्वेश्चन है, तो और वो तुरंत हो जाते हैं अगर कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन करने आते। तो कल मैं एक क्लास, कल संडे है, स्कूल की छुट्टी है आप सभी की या किसी को जाना है? नहीं। तो कल मेडिकल वालों के लिए तो इतने काम की चीज नहीं है वो। मैं कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक क्लास लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इनका जेईई मेन एक दो दिन बाद ही है, ठीक है? हाँ तो वही तो बात है, एक दो दिन बाद ही, किसी का परसों किसी का कब, ये है। अब ये बताओ कौन कौन बच्चा अटेंड करेगा वो क्लास? कम्युनिकेशन सिस्टम 2 घंटे के करीब का काम रहेगा, जो नॉन मेडिकल में उन्हीं से पूछ रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 भाई एनडीए के पेपर में कोई पता है आपको कैसा भी सवाल आ जाता है? ये बिल्कुल फिक्स है कि फिजिक्स में, मुझे नहीं पता इतना, मुझे नहीं पता इतना कि एनडीए के पेपर में फिजिक्स किस लेवल की आ रही है। नॉर्मल सी तो आती है, लेकिन क्या कोई सिलेबस डिफाइंड है? +1, +2 ये प्लस टू का ही पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, प्लस टू का ही पार्ट है, कम से कम हमें पढ़ लेना चाहिए। कल आप लोग छुट्टी रखेंगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कम्युनिकेशन सिस्टम में कल पढ़ाऊंगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे उसमें। मेडिकल वाले बच्चे कल अपनी छुट्टी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि फिर और आगे टाइम भी नहीं। अच्छा दूसरी बात, एक बार मैं सेमीकंडक्टर और ढंग से रिवाइज करवाऊंगा, खाली ट्रांजिस्टर ही नहीं सेमीकंडक्टर चाहिए, उसमें लग जाए 1 वीक, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये इनका जो तीसरा जेईई अटेम्प्ट होगा ना, अभी अभी सेकंड कब है थर्ड? हाँ तो हम मैग्नेटिज्म और ये कुछ लेके फिर एक बार 1 वीक हम देंगे सेमीकंडक्टर, वो तो आपके लिए नीट के लिए भी उतना ही जरूरी है, ठीक है? कल कल हम कम्युनिकेशन की लगा लेते हैं क्लास, ठीक है ना? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ देखना है इसमें हो गया। हम लोग थे अपना मैग्नेटिज्म वाला पार्ट कुछ शुरू करें, कुछ आगे बढ़े। मैंने कुछ सवाल भी दिए सर, देखो कर दिए, पूछ लो पूछ लो। बोर्ड पे लिखे तो देखो उनसे दिए दो, पता नहीं किसने बोर्ड साफ कर रखा था। देखो पता कौन कौन से दिए थे, 5, 6, 11, 12 चैप्टर कौन सा है? फोर्थ एनसीईआरटी 12th क्लास का फोर्थ चैप्टर, उसमें हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं तो निकाल के आप बता रहा हूं अपने डाउट्स मुझे। ये आदित्य आप करके लाए हो ये सवाल, ये इतने जल्दी है तो बताओ अपने डाउट्स अगर है तो। सबसे पहले पहले पेज पे 5 से 11 12 इनमें बताऊंगा कौन सा हो गए, सारे हो गए, सभी के हो गए 5 से 11 12, ठीक है? अगले पेज पे है 18th का 3rd एन इलेक्ट्रॉन 18th का C है, पेज नंबर 171 पे देखो, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स ए चैम्बर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है?
वेस्ट टू ईस्ट, उधर ठीक है ना, उस साइड जा रहा है। कहां गया, क्या गया? स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग। ये तो वेलोसिटी सिलेक्टर है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर जो जे.जे. थॉमसन वाला पार्ट था, क्या उसमें ऐसा ही कुछ नहीं हुआ था? हाँ वही था, एक और जिधर लगे उससे अपोजिट लगवा लो। लो मैं आपके लिए ये वाला सवाल करते हैं, इसका सी पार्ट। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किधर से किधर लगा रखा है? नॉर्थ टू साउथ। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इधर है, बीम किसकी है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन, चाहे वो चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का काम है उस पर फोर्स लगाना। किस डायरेक्शन में? ऊपर दिए ये नोट, अपोजिट टू ही, अपोजिट टू ही है ना। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इधर एक फोर्स लग रहा होगा एफ इलेक्ट्रिक, और मुझे अनडिफ्लेक्टेड निकालना है तो एफ मैग्नेटिक इधर लगना चाहिए, नीचे नीचे नहीं, क्या है, साउथ। अगर एफ इलेक्ट्रिक आपका नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो एफ मैग्नेटिक किधर लगना चाहिए? साउथ की तरफ। बस अब तो हो गया ये सवाल, इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट टू ईस्ट। देखो वेलोसिटी इधर है ठीक है, अगर आप एफ मैग्नेटिक नीचे चाहते हो तो बी क्रॉस बी ऊपर आना चाहिए। क्यों? ताकि वो नेगेटिव चार्ज है तो Q into V cross B opposite होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप F magnetic नीचे चाहते हो तो V cross B ऊपर चाहिए, क्योंकि F magnetic का formula था Q into V cross B। अगर आप ये नीचे नीचे नहीं south के along चाहते हो, ये अगर आप south के along चाहते हो तो V cross B किधर आना चाहिए along north, क्योंकि ये charge negative। V cross B north में कब आएगा? जब B और B अंदर हो, तभी तो B cross B north हुआ। तो B मुझे किधर लगाना पड़ेगा? अंदर। अंदर का मतलब क्या? इसको रखो, ये horizontal plane बनाओ, तो अंदर का मतलब vertically downward। Vertically south कौन सा होता है? Vertically south, सुनो, सुन लो आप, इधर सुन लो, ये यहाँ से inward आ गया B cross B, तभी तो ये ऊपर आएगा, तभी तो B cross B ऊपर आएगा, B inward। अब ये तो horizontal plane है, इसको रखो एक बार, रखोगे तो इनवर्ड क्या बन जाएगा? वर्टिकली डाउन। अब आप वैसे समझ लो अपने तरीके से, इलेक्ट्रॉन बीम किधर से किधर जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। देखो वेस्ट टू ईस्ट, इधर देखना आप, सपोज मैंने बी नीचे लगा रखा है, बी नीचे लगा रखा है, तो बी क्रॉस बी किधर आया? बी क्रॉस बी नॉर्थ, आगे नॉर्थ है और चार्ज नेगेटिव है, तो क्यू इंटू बी क्रॉस बी किधर आएगा? साउथ। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किधर आ गया? साउथ की तरफ, और इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? साउथ की तरफ, वो नॉर्थ में, तो अभी बैलेंस हो गया। आंसर में कुछ एक्सप्लेन कर रखा है या डायरेक्ट दिया है? डायरेक्ट दिया है, क्या दिया? ये इधर रखा होगा उसके तरफ, इनवर्ड को वर्टिकली डाउनवर्ड बोले ज्यादा बेटर। कैसे लिखा है उन्होंने आंसर? 18 का सी, वर्टिकली डाउन। या हो गया 18, उसके बाद बताओ भाई 19 हो गया होगा, 21 का B। 21 देखते हैं, a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass इतना दिया, length ही mass दिया, is suspended by two vertical wires at its ends। तो vertical wire लगा के उसके end पे, ठीक है। A current of 5 ampere is set up in the rod through this wire। wire लगा के vertical ना horizontal rod और wire लगा के इसमें current maintain करवा दिया। कौन सा सवाल है? 21 को ये हॉरिजॉन्टल वायर है, दो वर्टिकल यूं करके जैसे इसमें करंट मेंटेन करवा दिया, इसका मास दिया है, इसकी लेंथ दी है, करंट भी दे दिया। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर? व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज जीरो। देखो टेंशन नहीं चाहिए हमें इसमें, यानी कि वेट को ओनली कौन बैलेंस करे? वो मैग्नेटिक फोर्स, नहीं तो टेंशन बैलेंस करती दोनों साइड। और वेट को किधर लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे ना, मैं आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं। वेट को किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा, mg, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर,
आई एम क्रॉस बी फॉर्मूला पढ़ा था हमने उस दिन। तो देखो क्या कुछ है, बी के बारे में कुछ बता रखा है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड बताना आपको कितना लगे इसमें, सपोज करंट यूज आ रहा है, सपोज करंट यूज आ रहा है तो बी अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि तभी ये फोर्स ऊपर आएगा। तो मैंने माना कि बी अंदर की तरफ ये है, नॉर्मल उसने दिया एक क्वेश्चन में परपेंडिकुलर करो, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है आई एम बी साइन थीटा, तो आई इनटू एल इनटू बी और साइन 90 डिग्री वन हो गया। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन आई एल, ये आपका बी आ गया, हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। देखो अगर आप करंट को रिवर्स कर दोगे तो ये जो फोर्स ऊपर लगा था ये किधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा ये भी, और आई एल की क्या जरूरत, तो एम जी के बराबर ही था, तो एम जी और एम जी कितना फोर्स नीचे होगा, तो टेंशन आ जाएगी यहाँ से, इतनी टोटल टेंशन चाहिए, समझ गए हो ना। अगर इंडिविजुअल वायर की टेंशन चाहिए तो एम जी बाई टू, मतलब सॉरी टू एम जी का था, टू एम जी का था, कितनी कितनी टेंशन होगी एम जी और एम जी, समझ आ गया है। और कौन सा बच्चा है, एक बच्चा है पूछना है, ट्वेंटी थर्ड देखते हैं। ट्वेंटी थर्ड देखें, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मैं पर यार ऐसे मान लो कि कोई सिलेंड्रिकल रीजन है पर उसकी डायरेक्शन दे रखी किधर से किधर, पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये सिलेंड्रिकल रीजन ऐसा है हमारे सुना, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है किधर से किधर है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस तरह का पूरा इलाका है। ऐसा ऐसा है कि सवाल तो तब होगा जब एक बार हमसे डायग्राम है, ये तो फिर हम यूं ही बैठे रहेंगे इसमें। रेडियस दे दिया ठीक है, ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ उधर से इधर पासिंग थ्रू दिस रीजन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, द वायर कट्स द एक्सिस। देखो सुनो, वायर क्यों आ रही है, वायर जो है वो क्यों आ रही है, थोड़ा पीछे रोकना होगा क्योंकि इस सिलेंडर को कट करते हुए आ रही है और इसके एक्सिस से पास हो रही है, वो जो वायर है ना वो क्यों आ रही है, यहां बनाते हो कि वायर का ये हिस्सा ये एक्सिस से पास होगा, समझ गए कैसी वायर है, इस रीजन में कितनी लेंथ है वायर की, ये सर्कल है, ये सर्कल है, मैं कह रहा हूं ये वायर क्यों आ रही है, यूं यूं भाई एक्सिस को कट करते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में टू आ, अगर मैं इसको अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सीधा करके बनाऊं, मैंने यूं कर दिया कि वेस्ट बाहर है और ईस्ट पीछे है ना, तो जो नॉर्थ साउथ हो इधर बन जाएगी, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है, वायर की कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, टू आर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, बी आई एल, बी आई एल साइन थीटा, एल अभी हमने देखा, वायर की कितनी लेंथ इसके अंदर है, टू आर, एंगल आपको दिख रहा है ये देखो एंगल कितना है फील्ड और करंट के बीच का 90 डिग्री, तो जो फोर्स इसमें लगेगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 91 हो गया और एल की वैल्यू आप ले लेंगे 2R, तो पहली बार जो फोर्स आया वो आया 2BIR, जो भी फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ आया कि फर्स्ट पार्ट बताओ, ठीक है। सेकंड पार्ट यार ये तो मतलब इस लेवल के सवाल है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि डायग्राम दिया नहीं है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या, ये 2R ही नहीं सोच पाते कई बार बच्चे। उसके बाद द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब आप यूं बताओ इस सिलेंडर के अंदर वायर की लंबाई बढ़ गई होगी या कम हुई होगी,
नॉर्थ साउथ की बजाय आप इसको उठा ले रहे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरह से। देखो सुनो सुनो सुनो, ये पहले यू सी द सिलेंडर है, ठीक है, ये सीधा सिलेंडर है, वायर कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ, कितनी लेंथ है इसकी 2R। अब वायर क्यों होगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो बताओ सिलेंडर के अंदर लेंथ बढ़ी है कि कम हुई है, पक्का ना, समझ आ रही है, पहले तो केवल ये 2R लेंथ थी और अब ये ज्यादा होगी, अब तो सिलेंडर, अरे इसमें से मिनिमम लेंथ तब पास होगी ना, वायर घूम जाए, जब वायर घूम जाए, जब वायर घूम जाए तब तो मिनिमम लेंथ पास होगी। आप अगर वायर को थोड़ा भी ट्विस्ट करते हो तो क्या सिलेंडर के अंदर डायमीटर से ज्यादा लेंथ होगी, एक नहीं वायर होगी, कितनी ज्यादा वो एंगल पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने एंगल से ट्विस्ट किया है, कितनी ज्यादा वो एंगल पे डिपेंड करेगी। कैसे आप समझो, एक ट्रायंगल में बनाऊं अगर ये लेंथ 2R है, अब ये वायर होगी यहां से एंटर कर लिए और यहां से बाहर निकल गई, जैसे ये पार्ट है, अब ये वायर क्यों होगी कि यहां से एंटर कर लिए और यहां से ये बाहर निकल गई, तो ये इतनी लंबी लेंथ वायर की इसके अंदर होगी, ये एंगल कितना 90 डिग्री, और अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और इस तरह की थी, एंगल कितना 45 डिग्री, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनी दिख रही है जिसकी ये लेंथ तो कितनी है 2R, पर मेरे लिए तो ये है ना जो सिलेंडर के अंदर पास हो रहा है, क्या डायग्राम कुछ समझ आ रहा है, दोबारा बनाओ, नहीं आ रहा, दोबारा बनाओ, बताओ यार अगर नहीं आया, एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, क्या है देखिए, अब भी कई बच्चे ऐसे बैठे थे इन्होंने ट्राई ही नहीं किए सवाल, मान लो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, मैं इस सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बना रहा हूं, सेकंड पार्ट में वायर यहां से वही एंटर करेगी और यहां से बाहर निकलेगी, सिलेंडर के अंदर वायर का ये पार्ट है, ये पार्ट यहां से लेके यहां, अच्छा ये वो सीधी लाइन जो ईस्ट वेस्ट के अलोंग थी और ये आपकी नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगी, इसका मतलब कितने एंगल पे घूम चुकी है वायर, भाई ये वायर कितने एंगल पे घूम चुकी है, 45 डिग्री पे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, आगे की तरफ, अंदर की तरफ जहां भी है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये आपका क्या बना, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। अब ये अगर मैं देखूं ये तो डायमीटर है पूरा, ये डायमीटर है जिसको हमने क्या बोला था 2R, ये एंगल 90 डिग्री, मुझे ये चाहिए लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड, जो वायर आगे निकल गई ऐसे, समझ गए हो क्या, तो ये लेंथ कितनी निकलेगी अब इस ट्रायंगल से, 2R cos 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में मैं साइन 45 लगाऊंगा, इस ट्रायंगल में साइन 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2R cos, समझ आ रहा है, ये साइन 45 होता है 1/√2, सो 1/√2 इज इक्वल टू 2R cos L, यहां से L कितना आ गया 2√2R, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक, अब इसमें और भी कुछ दिया गया है, एक मिनट, कौन से पेज पे, 171, हाँ, वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू दिस, ठीक है, बस इतना ही दिया गया, हाँ तो बताओ फिर इसमें फोर्स कैसे निकाले हम, भाई पिछली बार तो फोर्स निकला था ILD से, इस बार फोर्स कैसे कितना हुआ, पिछली बार साइन 90 डिग्री आया था, साइन 90 डिग्री, इस बार करंट इधर जा रहा है और बी सीधा आगे है, बी और करंट के बीच का एंगल बी कितना है 45 डिग्री, तो अगर आप फोर्स निकालोगे तो आई इंटू एल, एल है 2R इंटू बी और इंटू क्या आएगा साइन, साइन हो गया तो 1/√2 होता है, ये तो कट ही गया, ये सेम आंसर है क्या फर्स्ट और सेकंड का, पीछे आंसर देखो, तब ये कट गया ना 2 से साइन 45,
ये भी 2 BIR आ गया था। आंसर में क्या होगा अगर सेम दे रखी है? सेम है, ये समझ गए सेम कैसे? क्योंकि जो लेंथ बढ़ी उतना ही कोसाइन आ गया बाद में, समझ आया? क्लियर हो रहा है? दोनों बहुत अच्छे पार्ट है। चले एक पार्ट और भी, थर्ड। तीसरा पार्ट, द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका? 0.1 मीटर। सेंटीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। मैं मिटा दूंगा ये डायग्राम बी पार्ट का, अगर समझ आ गया। अब सी पार्ट देखिए, आप सी पार्ट में, सी पार्ट में, सी पार्ट सुनो और समझो इधर। सी पार्ट में ये हमारा सिलेंडर था, ये कह रहे हैं नॉर्थ साउथ से, बी के ऊपर सी नहीं है, ए के ऊपर सी है। सी पार्ट बी पे बेस्ड नहीं है, वो ए पे बेस्ड है। वो कह रहे हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो वायर थी उसको थोड़ा नीचे कर दो। तो जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर थी तो कितना पार्ट उसका सिलेंडर के अंदर था? कितना पार्ट सिलेंडर के दुआर था? आप उसको नीचे कर देंगे तो क्या उतना ही पार्ट रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, समझ आ रहा है? देखो ये 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 सर्कल है, ये सर्कल ही ऐसा है, पता नहीं ये सर्कल है, ठीक है। अब मेरे पास कोई पेन पेपर, ये अगर बीच से इस सर्कल से या मेरे हाथ से मैं एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं बीच से इसको निकालूं, ये मान लो मैंने सर्कल बनाया, बीच में से सिलेंडर को पास कराऊं तो क्या ज्यादा लेंथ सर्कल के अंदर आ रही है कि नहीं? और मैं नीचे ले जाऊंगा तो लेंथ कम होती जाएगी, बहुत नीचे ले गया तो टेंस टू जीरो होगी और बिल्कुल ही जीरो होगी, है ना? तो यही बात इसमें है, अगर आप इस वायर को थोड़ा नीचे कर दोगे तो आप बताओ क्या लेंथ कुछ कम होगी? कम होगी। कितना नीचे किया? 6 सेंटीमीटर। तो मुझे ये एल चाहिए, ये एल। तो फिर तो आप 100 साइन 90 है ना, इस बार तो 90 डिग्री वाले है। आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ये सोचो ये कैसे, इसके लिए मैं इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए सीधा कर दूं। ये क्रॉस सेक्शन में सीधा करके देखो, देखो इधर सुनो, और वायर का ये पार्ट इस रीजन में आगे, समझ रहे हो गया? ये वायर का ये पार्ट पिछली बार 2 बार था, ये पार्ट है। कितना नीचे कर दिया ये? 6। और ये डायमीटर कितना है ना, रेडियस 10। ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 0। और ये कितनी होती है? 4। और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डालते तो वैसे करते हैं, क्या सर्कल की कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? सर सर्कल को ऐसे भी कर सकते हैं, सर्कल के सेंटर से इन दोनों के एंड्स पे वो डाल देंगे, रेडियस बन जाएगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दो। हां तो उससे भी देखा था ना प्रॉपर्टी, पाइथागोरस में स्क्वायर करके ऐड करोगे अंडर रूट क्या है? हमें ये नहीं पता, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, पता है नहीं? यस पता है। सर्कल में अगर दो परपेंडिकुलर कोड इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इनटू दिस, ये तो 10 तक आते हैं, 11th में थोड़ी आती है ये चीजें। किस किस को ध्यान है ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी सर्कल में? 2। और ये के 11th में आती है, 10 तक ही आती है चीजें तो ज्योमेट्री कहीं भी आती है, हमें नहीं आती। कोई नहीं, ये क्या मेरी 16 × 4 इज इक्वल टू L/2 × L/2। तो यहां से 64 हो गए, 64 का अंडर रूट 8 इक्वल टू L/2। L कितना आ गया? L कितना आया? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर ये कह रहे हैं वो ज्वाइन वगैरह करके उस तरह करो, कैसे कर सकते हो? L आ गया तो फिर ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो ये जगह नहीं करो। इन्होंने बोला है हाँ बस इस पे फोर्स बताना है, इस बार साइन 90 है ना, समझ आ रहा है? इस बार नॉर्थ साउथ के लोगे हुआ है, तो ये आंसर आपका बनेगा I into B into L और into 16 सेंटीमीटर या 0.16 मीटर। देखो तीनों सवालों में
ज्योमेट्री का अच्छा खासा यूज है। इन्होंने डायग्राम नहीं दिए, थोड़े 3D से डायग्राम बनते हो, लेकिन ज्योमेट्री का अच्छा खासा यूज है। दूसरे में इसलिए अच्छा होगा, पहले तो पहला ही पार्ट, आधी बार तो ये ध्यान दिया जाता भाई कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है 2R। दूसरे पार्ट में भी अच्छा पार्ट एक टेढ़ी ट्रायंगल बनेगी, सोचना होगा कितनी लेंथ अंदर की। उसमें बच्चा गलती क्या कर देते हैं, 2R का ही कंपोनेंट कर जाता है, 2R cos 45। बोले पिछली बार 2R थी, इस बार 2R cos 45। 2R cos 45 तो 2R से भी छोटा है, जबकि वो जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है उस ट्रायंगल, तो वो क्या होगी ज्यादा होगी। तो ऐसे गलती नहीं करनी, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। और तीसरा में तीसरे तो पार्ट में अच्छा पार्ट ये रहा कि उसको लोअर किया है, तो हमें देखना है कि अब कैसे हम ज्योमेट्री लगा के उसकी लेंथ निकालते हैं। तो आज जो सवाल डिस्कस हुए उन्हें शायद एक 23rd क्वेश्चन बेस्ट है अभी तक जो हमने डिस्कशन लिया, ठीक है। और तो क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसमें बेस्ट है। अच्छा 16 एग्जाम्पल भी दिए थे, उनमें कोई डाउट हो गए, कहां तक दिए थे 16 एग्जाम्पल है? अच्छा पहले दो ही दिए थे, 4.1 और 4.2। देखो मैं इस पोस्ट पे बेस्ड एक सवाल पूछता हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा सा, एनसीईआरटी में नहीं है सवाल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली बार प्लस वन क्लास में आप पढ़ते हो, प्लस वन क्लास में आप पढ़ते हो कि एक मेटालिक रिंग है, मेटालिक रिंग है, उसका रेडिएशन मान लो आर, मास है एम। मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया कि जैसे हर पॉइंट बी स्पीड से जा रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी बराबर ओमेगा। तो आप पढ़ते हो उसके अंदर जो इंटरनल टेंशन जनरेट हो जाती है वो होती है एम बी स्क्वायर अपॉन, याद है मेरे पीछे से बस आगे एक भी नहीं बोल रहा मैं, पाई लिख दिया पाई, वो दिया प्लस वन क्लास में हम ये पढ़ते हैं। प्लस टू क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि अगर इस पूरे पे चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया और सेंटर पे रख दिया स्मॉल क्यू पॉजिटिव दे दिया, तो अब भी इसमें कुछ तनाव पैदा होगा, बहुत ये फैलना चाहेगा, ठीक है, इसमें भी कुछ इंटरनल टेंशन आती है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि अगर मैं करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट होती है। कैसे निकालते हैं सारी टेंशन, एक ही तरीका है सबका एक जैसा, कौन सा आता है आपको बताओ इन तीनों में से, छोटा एलिमेंट वाले करना है यहां पर, ठीक है, उनको आप ही ट्राई कर सकते। सपोज एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट जा रहा है I और एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा रखा है B। पूछा जाए कि इंटरनल टेंशन कितनी जनरेट होगी, देखते हैं क्यों जनरेट हुई होगी, देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात क्यों जनरेट हुई होगी, आप एक छोटा सा भी एलिमेंट मानते हैं तो डीएल आगे बी अंदर, तो आईडीएल क्रॉस नहीं करेंगे तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर, क्लियर है आप सही, नहीं तो फिर गलती होगी डायरेक्शन। आईडीएल क्रॉस नहीं किधर आएगा, ऊपर आएगा, यहां किधर आएगा फोर्स, यहां डीएल क्रॉस बी करोगे तो नीचे आएगा, तो हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड आएगा, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड आएगा। इन सभी के दबाव में आके वायर थोड़ी सी खींचना चाहिए तो क्या उसमें इंटरनल टेंशन जनरेट हो जाएगी कि नहीं, समझ में आ रहा है? वो टेंशन निकलती कैसे, वो टेंशन ही तो हमें निकालनी है, समझ आ रहा है? टेंशन जनरेट होने का कारण क्या है, पहली बात तो ये, कैसे हम उसको निकाले, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया अभी, इसके ऊपर आप एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए, छोटा सा पर हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, इसकी लेंथ है डीएल, बहुत ही कम,
सेंटर जहां भी है, ये बहुत थोड़ा एंगल है जिसको मैंने बोल दिया डी थीटा, बहुत थोड़ा सा एंगल है जिसको मैंने बोल दिया डी थीटा। ठीक है, आप क्या करो यहां से, भाई एक तरीका सीखो, किसी भी चैप्टर में ये चीज यूज हो सकती है। अभी इसको इलास्टिसिटी तक भी ले जा सकते हैं, यंग मॉडल्स दिया होगा या क्या सारे, यूं पूछ ले, टेंशन भी आई है लेकिन थोड़ा सा कुछ चाह होगा, बताओ कितनी रेडियस में इंक्रीमेंट हुई, इस तरह का कोई भी काम, उन तीनों सवालों में होता है, तीनों में एक जैसा काम होता है। ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये आधा 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 मतलब डी थीटा भाई। ठीक है, अब भाई इसका एबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी टाइप का, इसका एक टेंशन, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, एक टेंशन इधर और एक टेंशन इंटरनल टेंशन है, जहां से आपने कट किया वो साइड वाले दोनों पार्ट खींच रहे होंगे अपनी तरफ। ठीक है, अगर मैं इन टेंशन का हिसाब दूं, ये डी थीटा बाई टू, तो ये भी कितना डी थीटा बाई टू, तो ये भी 90 में से घट घट के और ये आ जाएगा कितना डी थीटा बाई टू। ऐसा ही काम यहां होना है डी थीटा बाई टू, और ये भी आपका डी थीटा बाई टू। टेंशन के टुकड़े कर दो, कंपोनेंट कर दो, टी का इधर कंपोनेंट टी कोस डी थीटा बाई टू, टी का इधर कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू, टी का ये वाला टी कोस डी थीटा बाई टू, और ये क्या होगा टी साइन डी थीटा बाई टू। समझ आ गया, ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल। अब इसको मैग्नीफाई करो, इसको फिर समेट के देखो, अब इसको फिर समेट के देखो कि अगर ये एक छोटा सा पार्ट होता है डीएल लेंथ का, तो इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है टेंशन टेंशन के कारण, टू टी साइन डी थीटा बाई टू, क्या मैं टू से टू काट सकता हूँ? काट सकते हैं, काट सकते हैं, बिकॉज ये एंगल बहुत ही छोटा है, तो साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज नियरली इक्वल टू टू इंटू टी इंटू डी थीटा बाई टू, टू से टू गया, तो ये जो फोर्स है टी इंटू डी थीटा, टी इंटू डी थीटा। समझ आया, ये लेंथ कितनी है? अगर आर इसका रेडियस है, डी थीटा ये एंगल है, तो ये लेंथ कितनी है? आर इंटू डी थीटा, मतलब मेरा जो ये डीएल होगा, ये जो डीएल होगा वो कितना हो गया आर इंटू डी थीटा। उधर से दिख जाता है टेंशन, ये बीच में ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा ना, ठीक है, आर इंटू डी थीटा। अब अगर मैं इस पे फोर्स निकालूं, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल आगे है, बी अंदर है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और मैंने वो वाला फोर्स निकाला, तो आई इंटू डीएल, डीएल कितना है आर डी थीटा इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वन। फोर्स इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, बस थोड़ा सा इंटरनल टेंशन आई है, तो I into R into D theta into B is equal to T D theta, D theta D theta है, टेंशन नहीं आगी। बच्चे तो इतना काम करते ही नहीं, फॉर्मूले याद कर जाते हैं, अगर कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में BIR बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जैसे वो था MV square upon 2 pi R। ठीक है, देखो ऐसा दिमाग में तो हमेशा होना चाहिए, पता नहीं कहाँ यूज करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी बच्चे मोस्टली फॉर्मूला ही याद करके चले जाते हैं, बी आई आर टी इज इक्वल टू बी आई आर। समझ आया, अगर आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है, तो जो इंटरनल टेंशन आएगी वो बी आई आर है। अब इसमें दूसरी बात, कई बार यू हो सकता है आपको इस वायर का यंग मॉडुलस दे दिया जाए, कभी इंक्लूसन में हमने पढ़ा था, तो पूछ ले कि बताओ रेडियस में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए दूसरा सवाल समझ आ गया आपको, क्या पूछो भाई, जब चार हुआ है, टेंशन बनी है, तो थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट हुआ होगा, दरअसल वो रेडियस में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस तो होता है इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स तो कितना जनरेट हुआ है बी आई आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ है पाई
पाई आर स्क्वायर, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। तो यार ये इतना बड़ा एरिया है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है वो। अगर ऐसा सवाल आएगा ना कि इंक्रीमेंट होता हो तो ये एरिया दिया होगा, समझ गए हो आप ये एरिया, अरे ये वाला एरिया, कि अगर आप इसको कट करें तो कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है ना कि ये पूरा, समझ गए हो। मान लो एरिया ए है, ये एरिया ए है, तो स्ट्रेस कितना होगा बी आई आर ऑन ए, स्ट्रेन कितना होगा स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लो नया रेडियस हो गया आर प्लस डेल्टा आर, तो चेंज इन लेंथ कितना है 2 पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर नई लेंथ माइनस 2 पाई आर पुरानी लेंथ डिवाइडेड बाई पुरानी लेंथ, समझ आया। 2 पाई कट लेगा, आर आर कट लेगा, बट फिर के 1 पाई जो तक रेडियस से भी लिखे तो भी सही आ जाता है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस डेल्टा आर बाई आर। आगे ठीक है, यह आपका आया स्ट्रेन, यह आया स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना डेल्टा आर बाई आर और स्ट्रेन कितना क्या कर दिया स्ट्रेस, हाँ ठीक है, स्ट्रेस कितना बी आई आर अपॉन ए और स्ट्रेन कितना डेल्टा आर बाई आर। मैं उसको इधर उठा लेता हूँ, वाई को नीचे ले लेता हूँ, समझ लो उसको इधर ले आया, तो मेरे पास डेल्टा आर निकल के आ गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू बी आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। इस तरीके से आप ये डेल्टा आर निकाल सकते हैं, मतलब ये समझ आएगा कि कैसे हमने इंटरनल टेंशन निकाली और ये सब। अब सेम यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनता है, जो मैंने आपको बताया है कि पूरे पे कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, सेंटर पे स्मॉल क्यू रख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के रिपल्शन के कारण कितना टेंशन होगा। चलो मैं उन पे नहीं जा रहा, इसी जाता हूँ, बाई चांस अगर बी अंदर लगा लेते हैं बाहर लगा देते तो क्या होगा। हमने जो अभी क्वेश्चन लिया उसमें तो बी अंदर लगाया था और करंट ऐसे, अगर बी बाहर लगा देते तो हाथ सही करो, नहीं वो सही नहीं है। अच्छा आप कोई अपना और रूल लगा रहे नीचे फोर्स नीचे हो जाता, बिल्कुल सही है। अगर मैं बी बाहर लगा देता और करंट इधर है, करंट तो इधर ही है लेकिन बी बाहर होता तो आई एल क्रॉस बी, तो ये फोर्स किधर आता है, तो रोकने के लिए टेंशन का फोर्स, तो अभी पुलिंग फोर्स नहीं बनता। क्या होता, हर तरफ से वायर दबना स्टार्ट होता, हर तरफ से वायर दबना स्टार्ट होती तो इंटरनल फोर्स ना पुशिंग हो जाता, मींस ये जो आपने टी अभी ऐसे दिखाया है ये टी ना ऐसे हो जाता है, ऐसे चल रही कैसे लगेगा तो हम देखते हैं, ठीक है। इन टी के दो टुकड़े होते हैं, ऊपर वाले कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, साइड वाले कट जाते हैं और नीचे फिर वो बिल्कुल सेम आ, लेकिन ये डेल्टा आर इंक्रीज इन रेडियस नहीं होता, बल्कि डिक्रीज इन रेडियस होता है, ठीक है। ये जो डेल्टा आर आपका बनता है ये आपको हो जाता है डिक्रीज इन रेडियस। चलिए यहां तक आया समझ। वैसे तो आज का टारगेट कुछ और था, हमने उस दिन आपको छोड़ा जब ये कहा था जब साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं अगली क्लास में, और हम वेलोसिटी सिलेक्टर तक पढ़ा दिया है नहीं, इस बार मुझे ध्यान नहीं था, चलो बोर्ड में नहीं है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर तो नहीं हटाया होगा यार, वो हर चैप्टर भी देखना पड़ता है इस साल क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। अगर साइक्लोट्रॉन हटा दिया तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन इनमें नहीं हटा होगा, नीट और जेईई मेंस में, इन दोनों में तो मिलेगा ही। अब थोड़ा थोड़ा सा ध्यान इन चीजों पर रखो, हम केवल एक चीज पे सिमट के ना रह जाए बोर्ड या इस तरह से। देखो जो एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं चाहे तो कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया है कि कम्युनिकेशन में उस पे सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पक्का 10th की साइंस ज्यादा आती है, उसमें थोड़ी जनरल साइंस भी आ जाती है, जनरल साइंस भी आ जाती है तो मे भी ऐसा हो। चलो कोई बात नहीं, हम अगली जो क्लास होगी कल, 2 घंटे लगते हैं कितना टाइम मुझे मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, अभी देखते हैं कितना सिलेबस है उसका, कम्युनिकेशन भी मैं ले रहा हूँ। फिर जो मंडे को क्लास होगी, मंडे क्लास मॉर्निंग में होगी, इसका रीजन ये है मुझे स्कूल से सीधा एक शादी में जाना है, फिर
पता नहीं है आपकी टाइम तक यहाँ पे आ पाए जाए नहीं आ पाए जाए, तो इसलिए जो बच्चे मेडिकल वाले भी हैं वो भी अपना ध्यान रखें भाई, मंडे मुझे मॉर्निंग में लेनी पड़ेगी क्लास, ठीक है, इसलिए नहीं तो शाम को ऑफ हो जाएगी और कोई बात नहीं। मैथ्स की क्लास जो अटेंड करते हो दोबारा आ जाना मंडे मंडे को, बाकी तुम रोज शाम को लगा ही रहे। कल का मैथ्स का क्या टाइम आपका? 9 से 10। तो हम उसके बाद लगा लें जो आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कल जो आपकी क्लास भी नहीं, मैं दोनों बार का काम कर देता हूँ। 9 से 10 आपकी क्लास है तो मैं 8 से 9 तो सबके लिए क्लास लगा रहा हूँ, जिसमें मैग्नेटिक वाला काम आगे बढ़ेगा 8 से 9 सबके लिए, ठीक है। 9 से 10 जो ज्यादा से चला जाएगा, जिनकी मैथ्स की क्लास है वो रुक जाएगा। मुझे लगता है ये मैथ्स वाले ही में भी शायद फिर कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए, और फिर आपकी मैं 10 से 12 कम्युनिकेशन की क्लास, ठीक है, क्लियर है। कल का ये शेड्यूल है। अब एक बार ये बता दो कम्युनिकेशन कौन कौन पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्या आप में से मैथ्स पे कौन कौन आ रहे हैं? तो भाई आप फिर दोबारा आ जाने बाद में, ठीक है। तो कल का अपना शेड्यूल ये है, 8 से 9 मैग्नेटिज्म वाला काम चलेगा, 9 से 10 ही मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर 10 से 12 कम्युनिकेशन जो भी बच्चा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।